गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे लाइव क्लास मैं ऋतुराज कुमार, चैप्टर फर्स्ट क्लास फाइव। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर, जो कि मैंने पूरा डिस्कस कर चुका है चैप्टर के बारे में। क्या है चैप्टर का? आपका फर्स्ट फुल चैप्टर आपका है एडेप्शन, ठीक है, एडेप्शन बाई प्लान, इसके बारे में इसका कोई बता चुका है। आज देखेंगे क्वेश्चन आंसर, सीखेंगे कि क्या है क्या है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या करें आंसर, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एंड अगेन टू डिस्पियर। बीच होता है बिखराव, क्या होता है बिखराव होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो फल पक जाते हैं, ठीक है, तो भूख से पक जाते हैं, क्या होते हैं खुद से वो फूट जाते हैं, खुद से निकल जाते हैं। जैसे क्या पी क्या होता है पता है? हाँ, पीवी होता है आपका मटर, देखते हैं जब येलो हो जाता है तब पक जाता है, तो उससे वो निकल जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। जल में क्या वो डिस्पियर बिखरना होता है। आपने भी देखा होगा रुई का पेड़, ठीक है, उसको अकबर बोलते हैं हिंदी, उसको अकबर बोलते हैं। रुई क्या होता है, धूप में जब पक जाता है तो धूप में पकने के बाद क्या वो हवा के द्वारा वो निकलता है, उसका क्या होता है बिखर जाता है, ठीक है, वो आपका डिस्पियर। इसमें लिखा हुआ है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अगेंस्ट टू डिस्पियर, इसमें से कौन सा जो बिखरता नहीं है, इसमें पानी में क्या ये भी बिखरा होता है, जैसे क्या इसमें जाने के वाटर किससे होगा। आपने देखा होगा केरल में जो नदी किनारे जो पेड़ होते हैं, जैसे क्या नारियल का पेड़, ठीक है, जब उसके फल पक जाते हैं ना तो फल पकड़ेगा वो पक के गिर जाता है, ठीक है। पानी के द्वारा क्या होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान वो डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया क्या, आपका आ गया विंड, हवा। मैं जल्द ही बताया है, यही बताया ना कि जो फूल हो या पौधे हो ना जब पक जाते हैं तो क्या हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान उसके बीच चले जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सवाल, ठीक है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, आपका गलत बोलता है तो आपका ये गलत है, ठीक है। गलत क्या है सवाल, सवाल किसका होता है मिट्टी, मिट्टी में बिखराव नहीं होता है, मिट्टी में क्या है जस्ट का टस एज यूजुअल, ठीक है, वो कहीं खिसकता नहीं है, जहाँ पे गिरेगा वो वहीं पर जाएगा। बाकी क्या है विंड हवा द्वारा हम लोग भी है ना एक स्थान से जा सकते हैं और वाटर द्वारा भी एक स्थान से, ठीक है। आपका क्या होगा इसमें, आपका तीन ये होगा, इसमें सवाल में आपका डिस्पियरेंस नहीं होता है, बिखराव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेंटिनियम सीड विच बीज होता है, ठीक है, आम का मेनली डिस्पेयर बाई है ना, मेनली डिस्पेयर बाई एनिमल, हाँ ठीक है, डिस्पेयर एनिमल, एनिमल द्वारा मैंने देखा होगा कि बहुत सारे जीव जंतु जब जाते हैं जंगल, ठीक है, जंगल पे जाते हैं क्या होता है ना उसके उनके स्किन पे उनके त्वचा पे है ना बहुत सारे उस तरह के बीज वगैरह कुछ फूल कुछ कांटे चिपक जाते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या होता है पासिंग थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की से होता है, किससे होता है एनिमल्स होता है, ठीक है, किसके क्या होता है तो एनिमल से क्या होता है सीड का एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या कहते हैं ना क्या स्टीम ऑफ बीच, ठीक है, स्टीम क्या होता है तना होता है, ठीक है, द स्टीम ऑफ बीच प्लांट कंटेन द क्लोरोफाइल, क्या क्लोरोफाइल होता है कि पत्ते को हरा रखा जाता है, ठीक है, पत्तों क्या हरा रखा जाता है, जिससे रखा जाता है तो कैक्टस, कैक्टस पता है कहाँ होता है, ये डिजर्ट होता है रेगिस्तान में है ना, जहाँ बालू ही बालू होता है, ठीक है, वो होता है डिजर्ट में कैक्टस होता है, ये आपका क्या है नंबर है, इसको बोलते हैं सदा बहार, ठीक है, ये आपका पॉपुलर हो गया नारियल, आपका सब कौन सा होगा आपका सर ये होगा, ठीक है, कैक्टस इसमें एनिमल और ये स्वर, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट।